हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो हमारे एग्जाम्स को फाइनली ओनली 10 डेज आर लेफ्ट। आने वाले 10 दिनों में आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, तो आने वाले 10 दिन आपको बहुत ज्यादा जी जान से पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी है, और आने वाला नवंबर 2022 अटेम्प्ट आपको किसी भी हालत में पास होने की बहुत ज्यादा कोशिश करनी है, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल पास। तो आज का गुड नाइट मंत्र देने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये गुड नाइट मंत्र या फिर ये मंत्र बोल सकते हैं, वो मेरा मंत्र नहीं है। ये मंत्र, ये स्ट्रेटजी और फिर ये गुरु मंत्र भी बोल सकते हैं, ये मेरे मुझे सर ने दिया था, जो मेरे 11 12 के प्रोफेसर थे अकाउंट्स के, उन्होंने ये हम सब स्टूडेंट्स को बताया था। तो वो मंत्र ऐसा था कि अभी मेहनत बाद में आराम, अभी आराम बाद में मेहनत ही मेहनत। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग, इट इज वेरी सिंपल, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आज आप थोड़ा भी मेहनत करने का सोचोगे या फिर आप ठान लोगे कि मैं आज मेहनत करूंगा, कल का पता नहीं, लेकिन आई विल स्टडी हार्ड टुडे या फिर इन द प्रेजेंट, तो बाद में आपको आराम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन इफ यू चूज आराम नाउ, अगर आप पहले आराम की जिंदगी अभी चूज करते हो, तो बाद में लाइफ में आपको मेहनत ही मेहनत लेनी पड़ेगी। मतलब आप बाद का तो छोड़ ही दो, आने वाले 6 महीने का सोचो। इफ यू चूज टू रिलैक्स इन द कमिंग 10 डेज, इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू एफर्ट्स ऑफ 6 मंथ्स। But if you choose to do efforts in the coming 10 days, it can get converted into relaxation for the next 6 months. तो आपके हाथ में पूरा डिसीजन, लेकिन सोने के पहले प्लीज ये थॉट दिमाग में डाल के सोना कि मैं आज मेहनत लूंगा, आने वाले 10 दिन प्रेजेंट में मेहनत लूंगा, बाद में मुझे आराम करना है। या तो आप अभी आराम कर सकते हो, बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम श्योर कि ये किसी को नहीं चाहिए। तो आज का मेहनत, आज का हार्डवर्क कल के ऊपर डिले करने से कुछ होने वाला है नहीं, इन द एंड सबको मेहनत लेनी ही पड़ने वाली है, आज नहीं तो कल, तो इससे अच्छा आज ही ले लो। तो आज का गुड नाइट मंत्र यही था, अभी मेहनत बाद में आराम, अभी आराम बाद में मेहनत ही मेहनत। ठीक है, तो मेरे तरफ से इतना ही था। आई होप यू आर स्टडिंग वेरी वेल। टिल देन कीप स्टडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।